समाज सेवक और हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वामी अग्निवेश का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद से देश में शोक की लहर है। स्वामी जी ने बाल मजदूर, महिलाओं के अधिकार और अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई और समाज सुधार में अहम योगदान दिया। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव जी व आर्य समाज के साथ साथ अन्य समाज के सभी व्यक्ति उन्हें अपनी श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान 7 जंतर मंतर रोड स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। स्वामी जी का जाना केवल आर्य समाज के लिए ही नहीं, केवल हरियाणा के लिए ही नहीं, जिसे उन्होंने अपने कर्मक्षेत्र के रूप में चुना, बल्कि पूरे देश में जन आंदोलनों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अग्निवेश जी जिन्होंने संसद को बनाया था, उसके फाउंडर थे, जन्मदाता थे, 2006 में उसको विधिवत धर्मनिरपेक्ष प्लेटफॉर्म को बनाया था, जिसपे सभी धर्म के धर्म गुरु एक साथ मिलकर एक आवाज़ बुलंद करें। आज हम सब लोगों की जो पहचान है वो इसलिए हुई है कि उसके पीछे जो मिशन था वो अग्निवेश जी का दिया हुआ था, और पूरे संसार में हम जाकर सर्वधर्म संसद के माध्यम से सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं। आज हमारे सर्वधर्म संसद के संस्थापक स्वामी अग्निवेश जी हमारे में नहीं है, एक वो सच्चा इंसान जिसने हमें मार्गदर्शन दिखाया कि कैसे हम सब धर्म को, धर्मों के लोग मिलके एक सर्वधर्म संसद बनाए और एक आपसी भाईचारे का प्यार, बंधुआ मुक्त के लिए संघर्ष करने वाला वो इंसान अब नहीं रहा। हम सिख धर्म की तरफ से स्वामी अग्निवेश जी को अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं और परम पिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह इनको अपने चरणों में निवास बख्शे और हमें ऐसा बल दें कि उनके दिखाए हुए मार्ग को हम आगे, उस मशाल को आगे लेके जा सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। स्वामी जी को विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए 2004 में राइट लिवलीहुड अवार्ड के लिए भी सम्मानित किया गया था। स्वामी जी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन समाज के लिए मार्गदर्शक हमेशा रहेंगे।